का इरीगेशन डिपार्टमेंट है, पानी भी आ रहा है, नेपाल से भी पानी छोड़ा जा रहा है, बांध की मरम्मती का सवाल होता है, उससे तो आपको क्या मदद सही में नहीं मिल रही है? नहीं, आपको मैं बता दूँ, आज भी काफ़ी बारिश हुआ है नेपाल के साइड। नेपाल के साइड में बारिश में जब बोलता हूँ तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव बिहार पे पड़ता है। ज़बरदस्त बारिश हुई है नेपाल के, उसमें पूरा हमारा डिपार्टमेंट के लोग अलर्ट हैं। अभी 1 बजे का है कि 224,000 क्यूसेक पानी बीरपुर बराज से निकला है। ऐसी संभावना है कि अब 3 लाख के पास भी जा सकता है, इतनी बारिश हुई है। क्या स्थिति होगा? अलर्ट है हम लोग, अभी ऑफिस से यही पूरा उसको रिव्यू करके हम लोग आ रहे हैं अभी। अब ये एक समस्या है जो मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार दिल्ली में जा करके विभाग के पास जो लोग मैटर करते हैं हमेशा उठाते रहे कि नेपाल के साइड में अगर हम लोगों का हाई डैम नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है कि सारा पानी इंटरनेशनल बॉर्डर से आता है। बार बार आप लोग, मैं यहाँ पर ये बात रखा हूँ और सीरियसनेस आप समझ सकते हैं भारत सरकार का, कि जब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि आप कोसी हाई डैम के लिए अथॉरिटी बनाइए, बिहार से क्या दुश्मनी है, बिहार के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं है? जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप बनाइए कोसी अथॉरिटी के लिए अथॉरिटी बनाइए और बिहार सरकार, भारत सरकार सब लोग मिल करके और इसका बने और नेपाल के लोगों से भी बात करके इसका सॉल्यूशन कीजिए, कोई मूवमेंट इन सब चीज़ों पे नहीं हो रहा है। बिहार के अंदर जो काम करना है वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। बिहार सरकार आपदा का काम हो, जल संसाधन विभाग का काम हो, कितना बड़ा एरिया इम्पैक्ट करता है, आप लोग भी जा कर के रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं कितना पानी वहाँ पर आया। लेकिन बिहार सरकार अपने बलबूते जितना संभव है सारा प्रयास फ्लड के मामले में बाढ़ को लेकर के कर रही है। उसी का नतीजा है जब 3,62,000 क्यूसेक पानी भी आया तो हम लोगों ने पूरा उस बेल्ट को सुरक्षित रहा है, कहीं बांध हमारा नहीं टूटा, बांध टूटने का खतरा होता है। जहाँ तक सिंचाई की बात है, आप लोग जानते हैं कि कोसी मेची लिंक को लेकर के हम लोग लगातार बोलते रहे कि भाई जो आपने केन बेतवा को दिया वही दीजिए 60-30-10 के बेसिस पर, वो भी कंसिडरेशन में है, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। तो कोई भी, और तीसरा दो विषय जो और हम लोग बोलते हैं वो है फरक्का को लेकर के। फरक्का आपने बना दिया और फरक्का बनाने के बाद माने जो जब जब बना हो फरक्का वो बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ बना, बिहार के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके बना फरक्का। आज फरक्का के ऊपर जितना शहर आप गंगा के किनारे देखते हैं, भागलपुर, ऊपर आ जाइए मुंगेर, ऊपर आ जाइए पटना, ऊपर आ जाइए बक्सर, जितना शहर है बेगूसराय, सब शहर में बाढ़ का खतरा रहता है क्योंकि फरक्का से जो पानी निकलता है वो बराज का गेट कितना सही कितना गलत है हम लोगों के जानकारी में नहीं है। वो बराज का गेट में पानी का फ्लो कैसा है हम लोगों के जानकारी में नहीं है और पूरा अपस्ट्रीम में गाद जमा है। आज से नहीं, 2016 से माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 4-3-7 साल से कि नेशनल सिल्ट पॉलिसी लगी, गंगा का गाद का सफाई कौन करेगा? गाद का सफाई करेंगे तो रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो फ्लड का प्रकोप कम हो। पूरा जो भागलपुर शहर का जो एरिया आप जाकर अभी देखिएगा, परसों ही एक पोर्शन इस्माइलपुर बिंद टोली में हम लोग का सिंक कर गया, डूब गया, क्योंकि पानी का लेवल इतना अप हो जाता है। तो गंगा का वही हाल है जो यहाँ पर है और जो नेपाल से नदी आती है उसका वही हाल है। और सिंचाई में भी कोई कॉपरेशन हम लोग नहीं देखते हैं कि उसको लेकर के कोई कॉपरेट भारत सरकार बताई कोसी में चिल्लिंग को लेकर के क्या किया जाए। मैं तो बताया कोई सपोर्ट नहीं। तीन चीज, नेपाल में हाई डैम बनना, अगर नहीं बनता है तो आप लोग को मैं कॉपी शेयर करूंगा तैयार करके कि हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। मैं 1 से 2 दिन में सारा कॉपी दूंगा, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, जजमेंट तो मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं होता है तो फंडिंग पैटर्न भी तय कीजिए। बिहार की क्या गलती है? सारा पानी तो आता है नेपाल से, तो और कितना बिहार सरकार का खर्चा होता है हर एक साल, वो भी मैं जल्दी ही आप लोगों को शेयर करूंगा कि हर एक साल आपदा में और फ्लड के माध्यम से बिहार सरकार
जो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व रहता तो वो बिहार के डेवलपमेंट में वो पैसा काम आता, वो पैसा जाता है लगने के लिए, वो आपदा में जाता है या फ्लड मिटिगेशन में जाता है फ्लड के लिए। तो नेपाल का इशू बताया, फरक्का का बताया, और जब तक आपको गाद का निदान नहीं होगा तब तक गंगा का ये प्रॉब्लम रहेगा। मतलब हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना जा रहा है, ऑब्जर्वेशन है कुछ नहीं, नथिंग, कोई कुछ नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप लोग अथॉरिटी बना करके इसके इस पे काम कीजिए। कभी आपने सुना है कि नेपाल में हाईडैम बने, कोई बातचीत केंद्र से इसके लिए कोई इनिशिएटिव हुआ? हम लोग तो नहीं देख रहे हैं कोई इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री से मिलने का भी कोई कार्यक्रम है इसके? नहीं, अब हम लोग तो जितना फोरम पे जाना था, जल शक्ति मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सबके संज्ञान में जा करके ये बात हम लोगों ने दी है, उन्होंने आश्वस्त भी किया है, लेकिन कोई मूवमेंट इन सब चीज़ों को लेकर।